माशाल्लाह से साइज देखें भाई। अस्सलाम वालेकुम, आज संडे है और बड़ा टाइम हो गया मैंने अपने होम ग्राउंड का विजिट नहीं किया है। वैसे आज थोड़ा सा टाइम मिला है, आज होम ग्राउंड जा रहे हैं, देखेंगे वहाँ की क्या अपडेट्स हैं और मछली वहाँ वैसे ही लगती है जैसी मैं छोड़कर आया था या नहीं। आज की जो वेदर कंडीशन है वैसी कि यूवी लेवल बहुत हाई है, तो भाई धंधे का रस चल रहा है। और मेरे साथ इस वक्त है मंसूर, ठीक है, तो आज होम ग्राउंड जाएंगे, अपडेट्स देखेंगे क्या है और जो चीज़ होगी वो आपके साथ भी शेयर करेंगे। अपने होम ग्राउंड पे तो पहुंच चुका हूं, ठीक है, और लग रहा है कि यहाँ पे मछली जो है अभी भी लगती है क्योंकि काफ़ी सारे जो है शिकारी जो है वो बैठे हुए हैं, डोर कर रहे हैं। तो चले आए, देखते हैं किसने क्या पकड़ा है और क्या बेट चला रहे हैं। अगर आप दो दरिया फिशिंग के लिए आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको बनी बनाई डोरे भी मिल जाती हैं, चारा भी मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये है कि एक भाई ये बैठे हुए हैं, ये कासिम भाई का स्टॉल है, कासिम भाई बहुत पुराने हैं। इसी के साथ ये सामने जो है इकबाल भाई बैठे हुए हैं, इकबाल भाई यहाँ पे खड्डी झींगे के लिए मशहूर हैं। इकबाल भाई, क्या टाइमिंग चल रही है आजकल? टाइमिंग ठीक की है शिकार की आपकी? हमारी तो हम सुबह 9-10 बजे आ जाते हैं, शाम मगरिब तक होते हैं आम दिनों में। जी जी। और हफ्ता इतवार? हफ्ता इतवार को भी वो सुबह इतवार को 7-8 बजे तक। अच्छा, आपको मैं बताऊं, इकबाल भाई आज से बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, इकबाल भाई यहाँ के वाहिद यानी के थे चारे वाले जो आपको जिंदा खड्डी ला के देते थे झींगा शिकार के लिए। अब तो ये कि दूसरे लोग भी ला के बेचने लगे हैं, लेकिन इकबाल भाई जो है यहाँ पे पाइनियर हैं। इकबाल भाई, अब झींगा क्या हिसाब हो गया? खड्डी झींगा 120 रुपए का पैकेट है, मैं आपको बताता हूँ, वो दिखाना भाई, ये रहा, उसमें होते हैं तकरीबन 20-25 दाने होते हैं, ये देखना दाने बिल्कुल जिंदा है ये। और इसका वही है कि जैसे अगर ये बेहोश होने लगे तो इसको पानी मार दो? हाँ, बस इसको ठंडे जगह में साफ कागज में और साफ कपड़े पे लपेट के रखना पड़ता है, तो फिर ये नहीं मरता। गर्मी में जरा ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि ये नाजुक चारा है, और सर्दी में तो आप रख दो इसको, 2 दिन भी रख दो नहीं मरता है सर्दी के मौसम में। तो यही है कि भाई अगर जैसे आप गर्मी में ये खड़ी झींगा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर कुछ बेजान होने लगे ना, तो इसको समंदर के पानी के छींटे दे दें। समंदर के पानी, ये देखें, ये भी मार दिया, ये देखें, बिल्कुल सही हो गया, फ्रेश, जबरदस्त। इनके पास आपको जो है वेट की और डोरों की बेहतरीन जो है ना अवेलेबिलिटी मिल जाती है, यानी कि अगर चलते चलते आपका फिशिंग का मूड हो गया ना, तो आप बेफिक्र हो क्या है। माशाल्लाह से साइज देखें भाई, ये हमारे एक पाव का पुराने जो हैं यहाँ दो दरिया के साथी हैं, ये अभी इन्होंने निकाला आटे के ऊपर, साइज अच्छा है माशाल्लाह। और क्या ख्याल निकाले, क्या खैर खबर है? इंशाल्लाह आगे और भी होगा इंशाल्लाह शिकार, अब शिकार का टाइम हो गया। जजाक अल्लाह यार, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें आपने गिस्सर रिलीज किया, अल्लाह ताला ने आपको कितना अच्छा दाना दिया, दिखाएं सामने से, ये कौन सी मछली है? काला दंदिया। नहीं, ये काला तो है लेकिन भाई ये दंदिया नहीं है। दंदिया है? दंदिया है भाई। नहीं, काला दंदिया है, काला दंदिया है यार, काला दंदिया है। नहीं, ये एक न्यू स्पीशी मेरे सामने जो है एक भाई ने दो दरिया से कैच किया, ठीक है, और कुछ कुछ इसकी बॉडी जो है वो दहिया जैसी हो रही है और इसके ऊपर स्पॉट जो है खुई जैसे हो रहे हैं। अगर आप में से जो कोई इसको रिकॉग्नाइज कर सकता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये मछली का नाम क्या है। ये भाई बैठे हुए, ठीक है, इन्होंने अभी जो है एक छोटा गिस्सर का बच्चा निकाला था और आज ये फर्स्ट टाइम आए, मेरे कहने के ऊपर इन्होंने रिलीज़ कर दिया था और उसके बाद इन्होंने एक अच्छे साइज़ के मोई भी निकाली, तो मैं इंटरनली बड़ा खुश हूँ और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। मैं इनके लिए लाइव बेट लेकर आया हूँ, ये भाई आपके लिए, खटी झींगा है, इसका मछली खेलेंगे इंशाल्लाह अच्छा गेम होगा। फिश की रिस्पेक्ट करें, अगर आपको कोई छोटा साइज मिल जाता है आप उसको खा नहीं सकते, आपको लगता है बड़ा हो सकता है, उसे डेफिनेटली रिलीज करें, रखने की ज़रूरत नहीं है, मछली ख़राब होगी। तलार भाई आपके लिए एक मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, प्लीज़ इनको देखें क्या कह रहे हैं। भाई हम आपको दोबारा फिशिंग करते हुए देखना चाहते हैं, आपसे बहुत कुछ सीखा है और मज़ीद
सीखना चाहते हैं आप आए तो दोबारा समंदर में फिशिंग करें ताकि हमें तो कुछ सीखने को मिले और हो सकता है आपके साथ जाने का भी हमें मौका मिले इंशाल्लाह। अच्छा बात कुछ ऐसी है कि इस वक्त जून शुरू हो चुका है, समंदर रफ हो चुका है, ठीक है, तो इस वक्त ओपन सी में तो जाना पॉसिबल नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला तलाल भाई के ब्याह के ऊपर ये मेरी आपसे कमिटमेंट है कि आपको अगस्त के एंड तक जो है तलाल भाई पानी में नजर आएंगे फिशिंग करते हुए। देख ले भाई उस्ताद आपके ब्याह पे मैंने आपसे कमिटमेंट कर ली है। इसको डालूं कैसे? बंद करो यार इसको अभी। ये किया क्या आपने? यार मैंने तो नेकी करने की कोशिश की, मछलियों को आटा खिलाऊं, ये आटा तो मेरे गले पड़ गया। अच्छा भाई ऐसा है कि इनको पता नहीं था जो आटा जो है ना बिल्कुल इतना जो मछली के लिए आटा बनता है ना उसके अंदर लुब्रिकेशन के लिए थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या बटर वगैरह मिला लेते हैं। इसमें क्यों नहीं था ये भी तो बात है ना, इस आटे में क्यों नहीं था, वो जो आटा नीचे छुपाया हुआ था उसके अंदर ये क्यों था, ये सारी लुब्रिकेशन उस आटे में क्यों थी? तो आप जो है इसके अंदर लुब्रिकेट इसको करना भूल गए थे जिस वजह से जो है ये चिपक रहा है आपके ऊपर। ये तो ऐसा चिपका पानी भी नहीं है यार। अब ये आटा जो है लगता है आज भी जाके मछलियों को खिलाना पड़ेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या हुआ चाचा, डोर फंस गई? मारो झटका मारो। चाचा की डोर फंस गई है भाई। आज मैं काफी जमाने के बाद अपने होम ग्राउंड में आया, मुझे काफी खुशी हुई, लोग अभी भी आते हैं मछली खेलते हैं, कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने वाकई में अच्छे कैचेस किए थे। मेरा एक मैसेज ये है कि अगर आप यहाँ पे आके फिशिंग करना चाह रहे हैं, अच्छा क्वालिटी गेम खेलना चाह रहे हैं ना, तो आप यहाँ का जो स्ट्रक्चर है दो दरिया का उसको समझें। अगर आप उसको समझने में कामयाब हो जाते हैं डेफिनेटली आप यहाँ पे अच्छा गेम कर सकेंगे। तो ये वीडियो यहाँ एंड होती है, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द किसी और ब्लॉग में मुलाकात होगी मेरी और मंसूर भाई की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।